हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सौरभ जोशी व्लॉग्स की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी तरह मेथड है मैं आपको जो बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इसके अलावा यार, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, क्योंकि मैं इस तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो कर दो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बस अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, epidemicsound.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट पर टैप करो, अपनी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके आप सीधा लॉगिन अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए अकाउंट क्रिएट करने में तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, जरूर मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अकाउंट बना लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं जैसे ट्रेंडिंग हो गई, और क्रिएटर्स के लिए हो गई, कॉर्पोरेट, सिनेमैटिक, गेमिंग, अलग अलग टाइप के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जॉनर का। यहाँ पे आपको अलग अलग जॉनर के टाइप के भी मिल जाएंगे, जैसे आपको बीट्स चाहिए जैसे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के हैं, फंकी म्यूजिक चाहिए, हिप हॉप चाहिए, तो वो भी आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मूड्स मिल जाएंगे, आपका किस टाइप का मूड है, हैप्पी है, एपिक है, सैड है, जिस टाइप का आपको म्यूजिक चाहिए आप वहाँ से यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। और एल्बम्स में भी आपको काफ़ी सारी यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। तो यार बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ये, और हमारे सौरव जोशी व्लॉग्स भाई भी यहीं से ही जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यहीं से यूज़ करते हैं। उनके जो ज़्यादातर बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, इसी वेबसाइट से ज़्यादातर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे क्या बात है भाई, अब मैं भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करूँगा यहीं से। तो रुको रुको ज़रा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है एपिडेमिक साउंड वालों ने कि अगर आपको हमारा म्यूज़िक यूज़ करना है तो जो कि हमारा म्यूज़िक है वो आप फ्री में सुन सकते हैं, बट अगर आपको अपने किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, जैसे आप अपनी यूट्यूब वीडियो वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, तो आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप उनका म्यूज़िक यूज़ करेंगे तो आपके चैनल पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा आपके वीडियो पे जिस भी हम यूज़ करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको यूज़ करना है तो इसके लिए आपको इनका एक सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। सो गाइस, ये इसकी मतलब मैंने आपको पूरी बात बता दिया है, आपको यूज़ नहीं करना है या क्यों नहीं करना है सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। सो आप सोच समझ के यूज़ करें इसका म्यूज़िक। अगर आप मतलब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कॉपीराइट क्लेम से, तो आप इसका म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको इसके फटाफट से एक बार प्लान भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर आपको थ्री लाइंस मिलेंगी, इस पर टैप करना है, फिर यहाँ पे लाइसेंस मॉडल पे टैप करना है, और यहाँ से आपको नीचे जाके इनके प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो सबसे चीपेस्ट प्लान है वो मुझे देखने को मिला है $6 पर मंथ का, जो कि यूट्यूब वगैरह जिसमें सारी वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। सो मतलब काफ़ी सही है, मतलब अगर आपको परचेज़ करना चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, और कमर्शियल पर्पज़ है, मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसर वगैरह तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एंटरप्राइज़ वगैरह के लिए भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है गाइस इसके पूरे लाइसेंस के लिए पूरे प्लान्स। सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो कमेंट में भी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल करना, सो डेट आप फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।